महाराष्ट्र में जून में सत्ता पलट के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। यह मामला चुनाव आयोग के विचाराधीन है, लेकिन असली शिवसेना का सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शीर्ष अदालत ने आज कहा कि वो मामले में 27 सितंबर पर आगे विचार करेगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया। इसे लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों से जवाब मांगा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज संक्षिप्त सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो शिवसेना पर शिंदे या उद्धव ठाकरे गुट में से किसके असली होने के दावों को लेकर चुनाव आयोग को आगे विचार करना चाहिए या नहीं, इस पर 27 सितंबर को विचार करेगी। वही हमने एक पोल रखा था कि क्या राज ठाकरे को शिवसेना की कमान संभालनी चाहिए, तो इस पोल के दौरान काफी सारे लोगों ने वोट किया और इस दौरान जो पोल के नतीजे आए वो काफी दिलचस्प है। इस पोल में 56% लोगों ने कहा कि हाँ, राज ठाकरे को शिवसेना की कमान संभालनी चाहिए। वही 44% लोगों ने कहा कि नहीं, राज ठाकरे को शिवसेना की कमान नहीं संभालनी चाहिए। वह इस पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी है। कुकू यादव लिखते हैं कि शिवसेना राज ठाकरे की है। राजन तुरास्कर लिखते हैं कि राज ठाकरे अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कहने पर जाएंगे तो ये गलत है। राम समुद्र सिंह लिखते हैं कि जितने नेता ईडी के निशाने पर हैं वही बीजेपी ज्वाइन किए हैं, और देखा जाए तो जिस तरह से राज ठाकरे थोड़ा एक्टिव हुए हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में अलग ही माहौल बन गया है। पहले जहां उद्धव और शिंदे गुट शिवसेना को लेकर लड़ रहे थे, वहीं अब राज ठाकरे के फडणवीस से मिलने के बाद और अब एकनाथ शिंदे से मिलने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। और जिस तरह से उद्धव के हाथ से शिवसेना की कमान निकलती दिख रही है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे को शिवसेना की कमान संभाल लेनी चाहिए, और देखा जाए तो बाला साहेब की छवि भी उनमें दिखती है, साथ ही राजनीति करने का अंदाज भी मिलता जुलता है। बहरहाल वो तो समय आने पर पता लग ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे के एकनाथ शिंदे से मिलने के बाद सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई कि क्या राज ठाकरे शिंदे को समर्थन तो नहीं दे देंगे। इस बीच कुछ खबरों में कहा गया कि शिंदे गुट राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में अपना विलय कर सकते हैं, लेकिन शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। केसरकर ने आगे कहा, हमारे साथ विधायक हैं, सांसद हैं, बाला साहेब की विचारधारा है, इसलिए हम असली शिवसैनिक हैं। हमें विश्वास है कि कोर्ट और चुनाव आयोग हमें ही असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देगा, इसलिए हमारा विलय किसी दूसरी पार्टी में नहीं होगा। अगर हमें दूसरी पार्टी बनानी होती या किसी में विलय करना होता तो हम पहले ही कर लेते। वहीं राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर केसरकर ने कहा कि ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मनसा प्रमुख ने पिछले महीने भाजपा के नेताओं से भी मुलाकात की थी, जिससे ये चर्चा शुरू हो गई थी कि भगवा पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठजोड़ कर सकती है। भाजपा वर्तमान में शिवसेना के शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के साथ गठबंधन में है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता फडणवीस ने भाजपा कार्यकर्ताओं से इस बार के बीएमसी चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की अपील की है। सोमवार को मुंबई दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 150 से ज्यादा सीटों पर जीत का भरोसा दिलाया। शाह ने साफ किया कि भाजपा अगला बीएमसी चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ेगी। फडणवीस शिंदे के साथ बीएमसी चुनाव को लेकर कई बार बैठकें कर चुके हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।